कड़ी मेहनत और गरीबी में तप कर निकली स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वप्ना बर्मन ने पश्चिम बंगाल सरकार से शहर में एक घर देने की मांग की। स्वप्ना के पास कोलकाता में रहने के लिए स्थायी घर नहीं है। जलपाईगुड़ी जिले से ताल्लुक रखने वाली स्वप्ना 2012 से यहां भारतीय खेल प्राधिकरण के पूर्वी परीक्षण केंद्र में ट्रेनिंग कर रही है। बता दें कि स्वप्ना एशियाई खेलों में हेप्टाथलन में स्वर्ण पदक जीतने वाली स्वप्ना ने यहां कहा कि मेरी एक ही इच्छा है कि मेरा साई कॉम्प्लेक्स के पास एक घर हो। मुझे अभी साई कॉम्प्लेक्स में रहना होता है, लेकिन जब मेरी ट्रेनिंग नहीं होती तो मेरे पास रहने के लिए जगह नहीं है। अगर सरकार मुझे एक घर देती है तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। इससे पहले मुक्केबाज विजेंद्र सिंह और भारतीय एथलेटिक्स टीम के मुख्य कोच बहादुर सिंह ने बंगाल सरकार से स्वप्ना के लिए घोषित इनामी राशि बढ़ाने की मांग की थी। बता दें कि स्वप्ना ने 7 स्पर्धाओं में कुल 6026 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया। स्वप्ना ने 100 मीटर में हीट 2 में 981 अंकों के साथ चौथा स्थान हासिल किया था। ऊंची कूद में 1003 अंकों के साथ पहले स्थान पर कब्जा जमाया और भारत का मान सम्मान बढ़ा दिया। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स डेस्क से वरुण चौबे की रिपोर्ट। स्टार्ट योर करियर विद अस